है ठीक है। तो क्या हुआ था देवसेना, क्या हुआ था भाई? यार गए गांव में बुलाने के लिए। हाँ चाय। हाँ सिगरेट, ओए गाड़ी देख के सिगरेट पी रहा है, देख रहा है। बाप दादा जिंदगी भर पिया कुआं का पानी, बेटी खोजे बिस्सल ले रही। हाँ सही बात है क्या ये? बाप दादा जिंदगी भर पिया बीड़ी, अब बेटी खोजे टोटल। एवरीवन वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो गाइज कैसे हैं आप लोग? आशा करते गाइज बहुत अच्छे होंगे और गाइज हम लोग बहुत अच्छे हैं। तो गाइज एक घर में बिल्कुल अभी गजर गजर हो रहा है, सब लोग बिल्कुल चिल्ला रहे हैं। तो क्योंकि गाइज अभी सब लोग रेडी हो गए बाहर जाने के लिए। वैसे गाइज आज भैया पार्टी दे रहे अपने बर्थडे का, मतलब पूरे एक महीने बाद अपने बर्थडे का पार्टी दे रहे। बताइए तो भैया कितनी बार मेरा बर्थडे का पार्टी लेगा? आप ही तो बोले कि बर्थडे का पार्टी दे रहे। नहीं मैं पार्टी दे नहीं रहा। तो पार्टी तो मैं भाभी। हाँ भाभी आप दे रहे हैं पार्टी, पार्टी आप दे रहे हैं, आप पार्टी दे रहे हैं। किस खुशी में? अभी आप लोग बोल रहे हैं पार्टी देने चल रहे हैं हम लोग, तैयार क्यों हो रहे? तो फिर आप देख रहे गाइस लिपस्टिक लगाया तरीका दिख रहा है, यही बात है मुंह एकदम तोता जैसा लग रहा है आपका, मस्त अच्छा था। मेरा ना 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 गाइस देखिए भाभी खेल कर दिए मेरे साथ, देखिए। अरे यार अब हम ऐसे ही चलें क्या? ऐसे ही चल रहे नजर का टीका जैसा लग रहा है लेकिन काला नहीं है लाल है, कुछ नहीं। क्यों लगाए आप गाइस? देखिए मेरे साथ खेल कर दिया इन्होंने। अरे आदि पार्टी कौन दे रहा है वो तो बताइए, पार्टी कौन दे रहा है भैया? लेकिन क्या किया भाभी मेरे साथ? खिलार कर रहे हैं खिलार। तो गाइज ये डिसाइड तो होते ही रहेगा कि कौन पार्टी दे रहा है, पहले चलते हैं और वहाँ पे क्या खाने वाले हैं वो पहले चलेंगे। और गाइज आज संडे है तो वैसे हम लोग घूमने भी निकल रहे हैं बाहर, तो चलिए वीडियो बने रही गाइज आगे आपको सारी चीजें दिखाते हैं। गाइज देखिए सब लोग रेडी होके निकल गए हैं घर के बाहर, ये देखिए इधर भैया अभी और आदि बाबू रहे ये, तो चलिए चलते हैं अभी। तो गाइज देखिए यहाँ पे अभी हम लोग ये एक मस्त आइसक्रीम है फ्रूट चिल नाम का, देखिए ठेला देखिए इसका कितना मस्त है, दिख नहीं रहा ठेला, ये अंकल बेच रहे हैं। तो गाइज देखिए भी मस्त खाते हैं। हाँ एक रुपये गाँव में एक रुपया मिलता है बट यहाँ 20 रुपये का गाइज ये। तो चलिए पीते पीते चलते हैं मॉल के अंदर। अभी देखिए हम लोग आ चुके हैं मॉल के अंदर और ये गाइज ये है एक्सरसाइज चेयर, मतलब पैर हाथ में दर्द हो तो मस्त बिल्कुल यहाँ से आप ठीक करवा सकते हैं। कितनी बार हम लोग यहाँ से दबवाएं, आप दबवाएंगे? हम बहुत बार दबाएं, हाँ हमारे भाभी बहुत मज़ा आता है। तो गाइज फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं स्मार्ट बाजार, तो चलिए चलते हैं अंदर अभी। ये देखिए आज हम लोग यहाँ पे खाने के लिए सर, अब देखिए भैया भी ऑर्डर देने गए यहाँ बेल्जियन फ्राइज को बर्गर, ये भी गाइज अभी ऑर्डर देने गए भैया। और ये देखिए भाभी और आदि यहाँ बैठे हुए हैं। तो भाभी हाँ आज पार्टी किसके तरफ से वो डिसाइड नहीं हुआ अभी तक, कोई भी करे पैसा तो भैया कहीं जाएगा हाँ आदि, कोई भी करे पैसा तो भैया ही पे करेंगे। तो ये पार्टी भैया की तरफ से गाइज, तो भैया देखिए यहाँ पे ऑर्डर दे रहे हैं वो रहे हैं। तो क्या क्या ऑर्डर किए भैया? हाँ भैया क्या क्या ऑर्डर किए? वाह क्या बात गाइज, वैसे हम लोग ज़्यादा खाने का मन था नहीं लेकिन भैया फिर भी ले मंगवा ली, बोले चलो खा के आते कोई बात नहीं, तो हम लोग इसीलिए आ गए हैं। तो भाभी भैया मैकपफ भी ऑर्डर किया, आप खाइए क्या? हाँ गाइज भैया ऑर्डर किए नहीं लेकिन भाभी को ऐसे ही हम बोल रहे हैं। हाँ भाभी खाइएगा, खा लीजिए एक एक मैकपफ है चारों का। आदि आप खा लीजिएगा मैकपफ, मैकपफ मैकपफ क्यों गाइज? देखिए सब लोग कुर्सी कैसे ले लेके दौड़ रहे हैं, यहाँ इतना भीड़ है कि दिक्कत, चेयर सब लोग ढो रहा है। बताइए देखिए इधर भी एक चेयर ढो रहे हैं, देखिए भीड़ इतना ज़्यादा है क्या बताएं। जब तक मैं सफाई वाले भैया को बुलाने गया था तब तक ये लोग मेरे साथ कांड करने वाले थे, मेरा चेयर इधर बगल में दे रहा था अभी। अरे वो मेरे से पूछा तो मैंने बोला हाँ ले जा ले, ये मुझे लगा ये जो पर्ची रखा हुआ था ना ये मेन्यू वो लेके जाएगा, तो बोला नहीं चेयर से गया भैया। अभी आदि से ये स्टोरी सुनाते हैं ठीक है। तो क्या हुआ था देवसेना, क्या हुआ था भाई? यार गए गांव में बुलाने के लिए। हाँ अच्छा चाय या कुर्सी खाली है, टीवी पर ले जाना। हाँ
भाभी को रसगुल्ला मेरे लिए, भाभी भाभी एक हल्दीराम से रसगुल्ला एक पता है, फिर हम भी ढोते उधर से हा? नहीं नहीं यहाँ पे 2% बैठे हुए हैं। ओ भाई चेयर का बड़ा मारा मारी है यहाँ, चेयर का बड़ा मारा मारी है यहाँ। अरे जो चेयर छोड़ यार, जैसे बाहर निकले ना एक अंकल आए, दो अंकल टेबल उठा चल दिए। अरे साला तू गजब हो रहा है यहाँ। गाइस भीड़ भी काफी हो गई, देखिए यहाँ पे इधर भी है उस साइड, गजब का भीड़ है, गजब का भीड़ है आज तो। गाइस ये देखिए भैया आज ऑर्डर है, भैया ही थे और लाने भैया ही गए हैं एकदम। ओ भाई साहब देखिए क्या क्या आया है, थम्स अप बर्गर एंड फ्रेंच फ्राइज। ये चीजी बर्गर है ना, सही है इसका तो। ये लीजिए आदि आपका कोक, आदि थम्स अप कोक नहीं, और ये मेरा। ओ वाह सही है मस्त, ये रेडीमेड है, खोल के देने का नहीं, बिल्कुल खोल के दिया पीते रहो जी, सही है ना, इससे लोग का ब्रांडिंग भी हो गया। तो चलिए गए फ्रेंच फ्राइज कैसा है इसका। ओ भाई तो गर्म है बिल्कुल, आलू में छिलका है ये देखिए। ये देसी ब्लू इंडियन वाला है, इंडियन ब्रांड है ये, मैगडी तो बाहर का ना, इंडियन ब्रांड है। वाह तो चलिए खाते हैं अभी, कोल्ड कॉफी ला देगा आपके लिए फिर से डुबा के खाने के लिए। हाँ गाइज मैगडी में जब भी आते हैं अक्सर आदि ये फ्रेंच फ्राइज को मैगडी वो क्या बोलते हैं उसमें कोल्ड कॉफी में डुबाए खाते हैं, अच्छा लगता है खाने में। क्या मस्त आलू का भुजिया मोटा मोटा देखिए, देहाती लोग पहली बार गए फ्रेंच फ्राइज खाने। अच्छा हाँ आलू तो चलिए अभी इसका आनंद लिया जाए। बोलेंगे एक काम करेंगे, बोलेंगे काम करो दो रोटी भी ले आओ डुबाया। ये देखिए ये रहा हमारा बर्गर, और भाई इसमें चीज ऊपर से ही दिख रहा, तो ये भैया सबका ही है इसमें चीज। कैसा लग रहा है, टेस्ट सही है? आज हम लोग गाइस थोड़ा नया ट्राई किए हैं, ये मैगडी का नहीं है बाहर का है। तो आदि मैगडी और इसमें अगर आप कीजिएगा तो कौन अच्छा है ज़्यादा टेस्ट, टेस्ट में मैगडी कोई नहीं। तो चलिए गाइस फिलहाल अभी अपना ये खाते हैं बर्गर। लोग कहते हैं ना ब्रांड को मौका देना चाहिए, हाँ इसीलिए मौका दिए हैं, बिल्कुल मजा नहीं आया, बिल्कुल तो नहीं मतलब सही होगा। हाँ बस ये है, अगर कंपेयर कीजिएगा तब वो ज़्यादा अच्छा, कंपेयर जब कीजिएगा तब, ऐसे ये भी अच्छा है। कोई नहीं चलिए गाइस इसको अभी खाया जाए। गाइस हम लोग फूड फोरम से अभी निकल गए, जगह नहीं मिला तो लोग ये भी नहीं गाइस, जगह फूल हुआ तो लोग यहाँ भी बैठ के बर्गर खाए देखिए इस पे। सोचते कितना क्रेज है बर्गर खाने का, और सीट अवेलेबल ही नहीं होता है, लोगों को सीट और बढ़ानी चाहिए थोड़ी सी, हम लोग को भी खड़ा रहना पड़ा था 5-10 मिनट, हम लोग तो घूम घाम के कैसे भी बैठ के खा लिए क्या। तो चलिए अभी चलते हैं नीचे। हाँ अच्छा बैठ गए तुम लोग, अच्छा मस्त गाइस। अभी हम लोग डायरेक्ट वहाँ से आ गए आइसक्रीम की दुकान पर, जो हमारे घर के आसपास ही है, वहाँ से गए मदर डे दिखा आइसक्रीम लिया, मस्त खा के मज़ा आ रहा है क्या आदि। हाँ क्या हाँ सिगरेट और गाड़ी है देखिए, सिगरेट पी रहा है देख रहा है। बाप दादा जिंदगी भर पिया कुआं का पानी, बेटी खोजे बिस्सल ले रही। हाँ सही बात है क्या ये, बाप दादा जिंदगी भर पिया बीड़ी, बेटी खोजे टोटल क्लासिक मेंथोल। ये नया नया आया है क्या, ये तो आप बना रहे हैं? अच्छा वाह क्या बात, एक शायद था ना पहले, हाँ बनारसी शायद, लकड़ी शायद। अच्छा गाइस घर आने के बाद मुझे और आदि दोनों को अलग अलग काम दिया गया था, तो मैं तो गाइस अपना काम आधा मैंने निपटा दिया है और अभी आधा काम करना बाकी है गाइस। लेकिन चलिए उससे पहले आपको आदि को जो काम मिला है वो आदि से पहले मिलते हैं, उनका जरा आत्मकथा सुनते हैं कि उनका क्या हालात है अभी। तो चलिए पूछते हैं। तो गाइस देखिए आदि को मिला है ये परवल छीलने का काम, जो बखूबी छील रहे हैं अभी। तो ये देखिए तो क्या बात है आदि, पूरा मजा आ रहा छीलने में।
तो आपका अंतरात्मा कुछ कहना चाह रहा है इस बात को लिए? क्या बोले, समस्या परवल छीले छीले से तो डायरेक्ट कढ़ाई में डाल रोगल गया हो गया। हाँ, तो इसके लिए हमारे दर्शकों कुछ कहना चाहेंगे? आपके परवल अगर घर में बने, परवल खाना एकदम बेकार समझे। तो अंदरे तो गरियार रहेंगे जो आपको परवल छीलने के लिए बोला। परवल ना खाए कभी। लेकिन छीलते बड़ी तगड़ा है आदि आप, एक बात तो है। हम तगड़ा नहीं छील रहे, हम फिर कितना जल्दी खत्म हो गया। दांत पीस के एकदम छील रहे हैं क्या? बाप रे बाप। गाइस अभी आदि को मन करा सामने को आया तो साले वो गाली देके तो निहाल कर दे। नहीं ओ देखे दांत के साथ। अरे दांत इधर, दांत देख और कैसे परवल, वो तेरी कितना काटने परवल देखिए, इसी का ज्यादा और सब तुमने कम। बाप रे बाप, जोर जोर से कट दिया। लेकिन एक बात है आदि, परवल जो तोरी होता है नेनुआ, वो घर में आया तो वो भी आपको छीलने का काम देंगे। हम बहुत अच्छा छीलते हैं, वो आपको अगर मिल जाएगा तो फिर उसके लिए क्या कीजिए। ठीक है कि इतना भाई से थोड़ा ज्यादा रहता हम देख के बेचे। हाँ तो भुजिया बनेगा, रस रस चावल के साथ ऐसे रस वाला मजा आएगा खाने में। भुजिया चावल के साथ मजा नहीं आएगा, चावल का भुजिया तो अच्छी लगती है। चलिए छीलिए आप, मेरा जो आधा काम बचा है वो कर लेते हैं पहले, है ना। फिर भी आधी मजा तो पूरा आ रहा होगा। तो समझिए फिर भी हद तक हो गया।